इनके शासन में जो वादे किए गए थे, मोदी जी खुद ने किए वादे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग प्रति वर्ष, भूल गए वादे को। तो ये हालात जो देश में है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा, और देश हित के अंदर अगर गुजरात में सरकार बदलती है तो मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और इनका नेतृत्व भी समझ जाएगा कि चुनाव हारे क्यों गुजरात के अंदर। उसका पोस्टमार्टम होगा, मालूम पड़ेगा कि महंगाई के कारण हारे हैं तो महंगाई कम होगी देश के अंदर, वो कदम उठाए जाएंगे। अभी लापरवाही करे परवाह नहीं कर रहे हैं लोग। मालूम पड़ेगा बेरोजगारी बहुत भयंकर है, उसका गुस्सा लोगों के अंदर है, इसलिए सरकार नहीं बन पाई हमारी, उसके कारण भी ये लोग कदम उठाएंगे कि रोजगार दो, नौकरी लगाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ। अभी तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जा रहा देश से। ये तो दुख की बात है कि 9 लाख लोग चले गए देश से, देश छोड़ के। हालात ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा दुनिया के मुल्कों का, इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहाँ से, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को। ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और कांग्रेस तो हमेशा फैसले किए जनहित में किए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए किए हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए।